लोगों के घरों में घुसकर मोबाइलों की चोरी करने वाला एक आरोपी को मधुपुर पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपी की पहचान पिपरासोल गांव निवासी अभिषेक कुमार यादव के रूप में की गई है। आरोपी अभिषेक करीब 19 वर्ष के उम्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी कर चोरी गए 3 मोबाइल को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि थाना रोड स्थित पुराना सीओ ऑफिस के सामने एक घर में घुसे इस मोबाइल चोर को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया था। लोगों का मोबाइल चोरी हो रहा है और उसी में एक पत्थर चपटी के विजय कुमार यादव हैं। वो उन्होंने शिकायत की कि उनके घर में संध्या के समय में एक लड़का अभिषेक यादव उसके यहाँ गया और रूम में तलाश कर रहा था, ये सब चीज कर रहा था कुछ, तो तब तक वो आ गए और जब आ गए तो पूछा तो ये लड़का क्या कर रहे हो, तो ये लड़का चकमा दे के भाग गया और बहाना बना के भाग गया। लेकिन वो इसको जानता था क्योंकि ये पूर्व में भी कई मोबाइल का चोरी कर चुका था लेकिन थाने तक मामला नहीं पहुंचा था। चोरी किया गया मोबाइल को लोग लड़की वापस कर देने पर केस दर्ज नहीं किया गया था लेकिन इस बार उन्होंने केस कर दिया तो फिर हम लोगों ने छापामारी की। ये पिपरासोल गांव के रहने वाले हैं, इनके पास से 3 स्मार्टफोन, एक रेडमी का है, एक इन्फिनिक्स का है, एक ओप्पो का है, तो 3 स्मार्टफोन इनके यहाँ बरामद हुआ। कुछ और भी था जिसको कि लोगों इन्होंने दूसरे को कम दाम में बेच दिया था लेकिन ये उनको याद नहीं है। ये एकांत जगह पाके किसी का इस करके चलाकी से लेते थे और फिर कहीं पर सस्ता दाम में बेच देते थे और उनका संगत भी गलत खराब हो गया था और ये अपने यही काम करके अपना जो पैसा होता था गलत आदत का शिकार हो गए और इस तरह एक मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। और ये पूर्व में भी कई मोबाइल चुरा लिए लेकिन कानून की गिरफ्त में नहीं आए थे और हम लोगों ने उसके यहाँ छापामारी करके इसको 3 मोबाइल चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा और इन्हें कोरोना जांच के बाद इन्हें न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है और ये न्यायिक